कोविड-19 की सावधानी के चलते इस बार सादगीपूर्ण ढंग से राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर का आयोजन किया जाएगा। उपाध्यक्ष श्वेता वनिक ने बताया कि निश्चित दूरी सहित अन्य दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर का आगाज 26 मार्च से 29 मार्च तक हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में वर्ष का ये पहला बड़ा एवं महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है और पूरा मेला एवं गतिविधियां स्वर्णिम हिमाचल थीम पर ही आधारित रखने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले के शुभारंभ पर 26 मार्च को पारंपरिक ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुरली मनोहर मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 28 मार्च को पारंपरिक रंगों वाली होली खेली जाएगी। साथ ही हवन पूजा का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं में नामी कलाकारों के साथ साथ उभरते हुए स्थानीय लोक कलाकारों को भी मंच उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत पंडाल में निश्चित दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। द्वेशता वनिक ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत मेला मैदान में झूलों की समय सीमा एवं दुकानों की संख्या सीमित की गई है। उन्होंने कहा कि मेला मैदान में भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त मोबाइल शौचालय को बनाने के साथ साथ सफाई व्यवस्था का उचित प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेला मैदान में खाने के स्टॉलों को अलग से जगह दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तरीय हमारा सुजानपुर का होली महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा जो है लोग उसका इंतज़ार करते हैं हर साल। पिछले साल बीच रास्ते में ही वो रुकना पड़ा था कोविड के चलते, इस बार लेकिन हम अभी फिलहाल जो है उसकी प्लानिंग हमने शुरू कर दी है। इस बार 26 से 29 तारीख तक जो मेन मेला रहेगा और बाकी का बाजार जो है उसके बाद जैसे रहता है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन इस बार जो है जो चौगान में जो स्टॉल्स लगते हैं, दुकानें लगती हैं, वो इस बार कम रखी जाएंगी ताकि भीड़ भाड़ जो है वो नियंत्रित की जा सके। जो कल्चरल कार्यक्रम में सीटिंग होगी वो भी पिछले पहले वर्षों से थोड़ी कम होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, वहां भी थर्मल स्कैनिंग और सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था जो है उस पर एक्स्ट्रा जोर दिया जाएगा, पब्लिक टॉयलेट्स भी ज्यादा बनाए जाएंगे और पीने के पानी के इस तरह के जहां पे लोग खुद आके पीते हैं, जहां से जो है कॉन्टैक्ट बढ़ सकता है, इस तरह के कोई अगर पॉइंट्स होंगे तो उनको बंद रखा जाएगा ताकि और जितना हो सके पैक्ड इस तरह का सामान जो है उसका क्रय इनकरेज किया जाएगा। ईटरीज जो है जहाँ खाने के स्टॉल्स लगते हैं उनको अलग से एक लोकेशन पे किया जाएगा, फूड कोर्ट अलग बनाया जाएगा ताकि साफ सफाई जो है वो सुचारू रूप से चल सके। और इसी के साथ साथ जो रंगों की होली है वो बिल्कुल कम पारंपरिक जितना हमारा पूजा वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है उसको ही किया जाएगा। बड़े स्तर पे जो है होली, क्योंकि कॉन्टैक्ट एक्टिविटी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो उसको उतने बड़े स्तर पे जो है आधिकारिक रूप से नहीं किया जाएगा। मंदिर में और जो पूजा होती है या जो थोड़ी सांकेतिक रूप से जो सिंबॉलिक होती है बस उतना ही किया जाएगा, लेकिन कलाकारों को बाहर से भी लोग आएंगे उन सबको जो है मंच जरूर मिलेगा और होली का त्यौहार जो है फिलहाल हम अच्छे से प्लान करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर। और हमारा होली महोत्सव जो इस बार सुजानपुर में होगा वो भी जो है स्वर्णिम हिमाचल के थीम पे ही हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं।